बड़ी खबर नरसिंहपुर से, जहां नरसिंहपुर में देर रात अनियंत्रित होकर एक प्राइवेट यात्री बस डिवाइडर पर चढ़कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस पलटने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। पुलिस सूचना मिलते ही नरसिंहपुर थाना प्रभारी टीम सहित तुरंत मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 8 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें नरसिंहपुर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया और 3 लोगों की मौत की पुष्टि भी अभी तक की जा चुकी है। नरसिंहपुर से मुकेश पटेल की रिपोर्ट। बस साईखेड़ा थाना क्षेत्र के एक बांस खड़ा करके गांव से सद्धारा किसी वैवाहिक कार्यक्रम में आई थी और कार्यक्रम के पश्चात ये लोग वापस जा रहे थे। बस के ड्राइवर ने सद्धारा से ही गाड़ी को रॉन्ग साइड डाल दिया 4 लेन हाईवे पे, और रॉन्ग साइड आके जो बस ले बना रहता है उसके डिवाइडर के ऊपर जाके गाड़ी बहुत स्पीड से टकरा गई है और उसके बाद ये पलट गई थी। पलटने के बाद 2 लोग घटनास्थल पर ही डेथ हो गई थी और 1 14 साल के बच्चे की डेथ हॉस्पिटल में हुई है। करीब 15 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें से 5 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रिफर कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी संबंधित पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और सभी का इलाज किया गया।